आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है और पूरा विश्व, पूरी दुनिया एकजुट होकर के इस आतंकवाद के शैतानी मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही है। हमें कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि आतंकवादियों के किसी भी रूप में हौसले बढ़ें और हमारे जो विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है, जो ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म है, उसको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की जहां बात होती है वहां पर एक स्वर में एक भावना, और वो भावना राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मुझे बहुत अफसोस होता है कांग्रेस के मित्रों के इस राजनीतिक बचकानेपन पर, इस राजनीतिक असहिष्णुता पर। इनको कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील हालात पर, ऐसे स्थिति में जब देश एकजुट होकर के राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के सम्मान के प्रति एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है और आतंकवाद और आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के जुनून और जज्बे के साथ काम हो रहा है, हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं। पूरा विश्व जो है वो आतंकवाद की इस चुनौती से एकजुट होकर के लड़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इन आतंकवादियों के शैतानी मंसूबे चकनाचूर होंगे, ध्वस्त होंगे और पूरा विश्व जो है वो शांति और सौहार्द के साथ तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ेगा, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा।